लिटरेचर पार्ट हमारा आगे इसमें चलते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको व्याकरण के भी सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ। उसमें मैं बार बार आपको शुरुआत से भी सारा व्याकरण बता रही हूँ ताकि आप बार बार उसको रिवाइज करें, ताकि आप बोल ना सके और कंटिन्यूस आपको वो याद रह सके। पहले हमने मैंने जो कल वीडियो बनाया था ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, सब में जो भी मैं व्याकरण का जो भी चैप्टर समझा थी उसमें शुरुआत से कि सबसे पहले मैंने क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सीखा था वर्णमाला, देन मात्रा थी, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, मात्रा को जोड़कर शब्द बनाओ, वर्ण विच्छेद, ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए, ठीक है। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद में बाद में आपको समझाऊंगी, लेकिन लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने शुभ अशुभ शब्द और वाक्य लिखने के लिए बोला था, लेकिन अभी मैं आपको जो वीडियो बना रही हूँ उसमें वो सारे शब्द लिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वाक्य से एक शब्द जो गुजराती में पढ़ते हैं शब्द समूह वाले एक शब्द आपको वो अभी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। ये सारा आपको हिंदी की नॉट में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। मेरा मित्र बहुत मीठा बोलता है, वह अच्छे अच्छा वाला है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मृदुभाषी और सदाचारी है। वह ऐसा मित्र है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इतना लंबा शब्द होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। इसकी जगह पे ईश्वर से लंबी आयु है। हाँ, वह विश्वसनीय है, वह दीर्घायु है। उपयुक्त उदाहरणों से आप क्या समझे, यही ना कि अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कई बार पूरा एक वाक्य बोलने के स्थान पर एक शब्द ही पर्याप्त होता है। इससे भाषा सुगंधित और सुंदर बनती है तथा कथन भी संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। कई बार क्या पूरा वाक्य शब्द बोलना पड़ता है, इसकी जगह पे छोटा शब्द यूज करके हम बोल सकते हैं। विज्ञान को जानने वाला विज्ञानी, शिक्षा पाने वाला शिक्षार्थी, जिसमें बहुत बल को सबल, गांव में रहने वाला ग्रामीण, ऐतिहासिक संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, चित्र बनाने वाला चित्रकार। तो अभी मैं सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द में लिख रही हूँ, ये पूरा आपको देख के हिंदी के नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। हेडिंग लगाना है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द भी लिख सकते हो शब्द या अनेक शब्दों के लिए शब्द भी लिख सकते हो। फर्स्ट विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, दूसरा है शिक्षा पाने वाला शिक्षा पाने वाला शिक्षा की, और जिसमें बहुत बल हो सबल फोर गांव में रहने वाला ग्रामीण जो कभी अजर
सिक्स, जिसका कोई शत्रु न हो, शत्रु न हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु, सेवन अत्याचार करने वाला, अत्याचार करने वाला अत्याचार, अत्याचार करने वाला अत्याचार। इसके बाद है माता पिता न हो, अनाथ जो कम बोलता हो, अल्पभाषी जो स्त्री, जो स्त्री कविता रचती है, कविता रचती है, कवित्री, कवित्री, देन जो पुरुष, जो पुरुष कविता रचता है, कवि, ठीक है। इसके बाद है काम से जी जुड़ाने वाला, काम से जी जुड़ाने वाला कंचो, कंचो। इसके बाद है किए उपकार को, किए उपकार को मानने वाला, मानने वाला कृतज्ञ। इसके बाद है सिक्सटीन नंबर किए मानने वाला है वो उत्तम है, नहीं मानने वाले कृतज्ञ ना, कृतज्ञ ना। इसके बाद है शहर में रहने वाला, शहर में रहने वाला शहरी। इसके बाद है नव में, विचरण करने वाला नवचर, विचरण यानी घूमने वाला। इसके बाद है जंगल में रहने वाला,
अभी मैं दिखा रही हूँ आप सबको, ताकि आप अच्छी तरह से लिख सको। इसके बाद है इसलिए हूं, ताकि आपको उसको समझो और अच्छी तरह से लिख पाओ। इसके बाद है जिसमें रस न हो, जिसमें रस न हो नीरस। ओके, इसके बाद है
प्रत्यक्ष मांस खाने वाला मांसाहारी महीने में हिस्सा होने वाला महीने में एक बार होने वाला मासिक जिसमें विमान तो इसका अर्थ होता है तो इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं।
यही कारण है कि कई बार एक ही शब्द अलग अलग उच्चारण के कारण अपना मूल रूप खो देता है। बच्चों, अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में अक्षर लिखते और बोलते समय अनेक अशुद्धियां बन बैठते हैं। यदि हम शब्द या वाक्य का उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो उसे गलत लिखेंगे। यदि उच्चारण शुद्ध किया जाए तो इन अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। छात्रों द्वारा की जाने वाली शब्द और अशुद्धियों के बारे में यह जानकारी दी जा रही है। अशुद्धियों के प्रकार, अशुद्धियों के दो प्रकार होते हैं, शब्दों की अशुद्धियाँ। शब्द लिखने में जो गलतियाँ होती है शब्दों की अशुद्धियाँ कहलाती है, जैसे परंतु, परंतु, मातृभूमि, मातृभूमि। अशुद्धियाँ में शब्दों की अशुद्धियाँ होती है और वाक्यों की अशुद्धियाँ होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़े अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द लिख रही हूँ। अशुद्ध शब्द और इसका शुद्ध शब्द, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द में यहाँ पे लिख रही हूँ। आप देखना, आप समझना। जैसे कि अशुद्ध शब्द में मैं लिख रही हूँ अतिथि, लेकिन इसका शुद्ध शब्द कौन सा है? अतिथि। फिर है स्पेलिंग मिस्टेक की एक अध्ययन, ठीक है बेटा, अध्ययन। इसके बाद है आशीर्वाद, इसका सही स्पेलिंग है आशीर्वाद। इसके बाद है इसलिए, इसलिए, और कृपा का रूपा। तो जब मैंने वीडियो बनाया था तो वीडियो में सारे शब्दों मैंने आपको दिखाए थे, तो यहाँ कि शुद्ध शब्द के सारे शब्द भी आपने आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है, इसके बाद वाक्यों की अशुद्धियाँ भी होती, ये शब्द की अशुद्धियाँ हुई, अभी हो सकती है वाक्य की अशुद्धियाँ। वाक्य को लिखने अथवा बोलने में जो अशुद्धियाँ होती है उन्हें वाक्यों की अशुद्धियाँ कहते हैं। जैसे गाड़ी चल रहा है अशुद्ध वाक्य है, ओके, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई भी वाक्य होता है तो उसको हम किस तरह बोलेंगे। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गाड़ी चल रहा है, हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि गाड़ी चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? गाड़ी चल रही है, क्योंकि हमने पहले से ही उन्हें सीख लिया है, ओके। तो ये जो इसलिए मैं आपको बार बार जब भी कोई नया टॉपिक करवाती हूँ या रिविजन करवाती हूँ तो शुरू से सारे टॉपिक्स में आपको इसीलिए समझा रही हूँ, क्योंकि जो सीखा हुआ है वही आगे आगे बढ़ना है। किसी वाक्य द्वारा अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए उस वाक्य का शुद्ध होना आवश्यक है, तभी हम अपनी बात को बड़ी बात की दूसरे को समझा सकते हैं। वाक्यों की रचना करते समय शब्दों का प्रयोग गलत होने से या लिंग, वजन, कारण आदि की गलतियों से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पहले आता है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, मेरी माता जी जा रहा है, इसकी जगह पे क्या आएगा? मेरी माता जी जा रही है। यह चौथे कक्षा की पुस्तक है, यह चौथी कक्षा की पुस्तक है। लिंग यानी जाति संबंध, रवि और रिया विद्यालय गए, रवि और रिया विद्यालय गए। पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। उसके दादाजी आए हैं, उसके दादाजी आए हैं। इसके बाद है वचन संबंध, वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। मुझे 10 रुपया दीजिए, मुझे 10 रुपये दीजिए। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। हम अभी खाना खाए, हमने अभी खाना खाया है। अनेकों
इस्तेमाल नहीं करने। यश को गर्म करके खाना दो, यश को खाना गर्म करके दो। इस प्रकार पशु उपचार तथा प्राकरण के सही ज्ञान के अभाव में सामान्य तौर पर अशुद्धियाँ हो जाती है। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है, शब्दों की अशुद्धियाँ, वाक्यों की अशुद्धियाँ। वाक्यों की अशुद्धियाँ लिंग संबंधी, वचन संबंधी तथा अन्य प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हमने शुद्ध शब्द जो वाक्यों की, शुद्ध शब्द की जो अशुद्धियाँ हैं, तो शब्द की अशुद्धियाँ हैं और वाक्य की अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर एक ही सबसे पहले आपको तीन लिखने हैं, तो मैं आपको जब फोटो खींचूंगी उसमें टिक कर दूंगी, स्टार बना दूंगी। जो सबसे पहले आपको लिखना है, इसके बाद जो लिखना है वो, ठीक है, इसके बाद बस जो हमने रेफरेंस के लिए शब्द लिखा वो सारा आपको अच्छी तरह से आपको में लिखना है। फिर से बता रही हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूरा जो मैंने आपको करवाया है वो, और जो बाकी जहाँ ओके फिर से यहाँ पे बता रही हूँ, अशुद्धि शोषण में आपको सबसे पहले इस तरह लिखना है, अशुद्धियों के प्रकार ये पूरा लिख देना है। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है, शब्दों की अशुद्धियाँ, शब्द लिखने में जो गलतियाँ होती है शब्दों की अशुद्धियाँ कहलाती है, जैसे परंतु, मातृभूमि, मातृभूमि आदि। यहाँ पे लिखा हुआ है अशुद्धियाँ, शब्दों की अशुद्धियाँ और वाक्यों की अशुद्धियाँ। ये हो जाए इसके बाद तुरंत आपको ये वाला लिखना है, अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में सामान्य तौर पर अशुद्धियाँ दो हो जाती है। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती है, शब्दों की अशुद्धियाँ, वाक्यों की अशुद्धियाँ। इसके बाद वाक्यों की अशुद्धियाँ लिंग संबंधी, वचन संबंधी तथा अन्य प्रकार की होती है। ये हो जाए इसके बाद आपको ये शुद्ध अशुद्ध शब्द लिखने, ये सारा टेबल्स, ठीक है। ये हो जाए इसके बाद आपको वाक्यों की अशुद्धियाँ लिखनी है, सिर्फ हेडिंग लगाना है। इसके बाद लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, ये पूरा टेबल्स लिखना है। इसके बाद वचन संबंधी अशुद्धियाँ, पूरा टेबल्स लिखना है, और अन्य अशुद्धियाँ तो पूरा टेबल्स लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। मैंने बार इसलिए ये बताया आपको ताकि आपको समझ में आए कि आपको किस तरह लिखना है, ठीक है। जो वीडियो मैंने भेजा है वो अच्छी तरह से देखना, इसके बाद अच्छी तरह से नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखना। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।